शहर के वीआईपी रोड स्थित भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण करने को लेकर पीड़ित पुनीत राम टंडन ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ऑफिस के सामने भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास के साथ प्रदर्शन कर बताया कि उसकी भूमि पर बाउंड्री वॉल और दरवाजा बना हुआ था, उसे अमित अग्रवाल ने अवैध तरीके से बिना किसी सूचना के तोड़ दिया। तोड़ने के लिए तहसीलदार पटवारी के द्वारा उसे किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। इस निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाए, नहीं तो वो आत्मदाह कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता और सारे जमीन के दलाल भू माफियाओं का इसमें हाथ है, और बड़े अफसोस की बात है कि किसान के नाम से जिन लोगों ने सत्ता दिया आज किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये चरित्र इस सरकार का कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। इस बात को लेकर हम लोग आए हैं और न्याय नहीं मिलेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार की होगी। जबरदस्ती मेरे जमीन को हटाने की कोशिश कर रहा है। मेरा जमीन मेरे को चाहिए सरकार, सरकार से भी अनुरोध है कि मेरी जमीन को वापस मिलो। किसके द्वारा आपका कब्जा किया गया था? अमित अग्रवाल। कौन है अमित अग्रवाल? है कौन? भू माफिया। भू माफिया और मन्नू नथानी, मेरी जमीन को आसानी की कोशिश कर रहा है। मेरे को कहाँ है आपकी जमीन? जयपुर रोड में। जयपुर रोड परमानंद। भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि रसूखदार लोग पीड़ित के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।